इल्जाम दे रही है क्योंकि वो उसके बिल्कुल पास खड़ी थी, फिर भी उसका हाथ नहीं पकड़ा। नहीं चाची, मैंने बचाने की बहुत कोशिश की लेकिन अधूरे मन से की कोई भी कोशिश कभी कामयाब नहीं होती है। इधर बस कर बिम्मी, ये वक्त नहीं है ऐसी बातें करने का। हाँ बिम्मी, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हेतल देख पुत्र, इस वक्त अगर स्वीटी ने तुझसे कुछ भी कहा तो प्लीज उसकी बातों को दिल पे मत लेना। वो बेचारी जब भी सदमे से संभल जाएगी वो खुद ब खुद ये समझ जाएगी कि ये सिर्फ एक हादसा था। मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको घर जाना चाहिए, मैं और परमीत यहां रुकेंगे। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं स्वीटी दीदी के पास ही रहूंगी, परमीत जीजू के साथ। मोना, लेकिन मैं हूं यहाँ पर, डोंट वरी। मैं स्वीटी दीदी की बहन हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। बस ठीक है, लेकिन आप रुक कर क्या करेंगी? 10 मिनट में दवाइयों की वजह से भाभी सो जाएंगी। आप कल सुबह आइए, ज्यादा अच्छा होगा। उस वक्त भाभी की जरूरत आपकी ज्यादा होगी। घर जाइए। ठीक है, सुबह आ जाना। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो मोना, अभी यहाँ हॉस्पिटल में रुक के तुम करोगी क्या? और वैसे भी यहाँ पे गोल्डी है, परमीत है, वो स्वीटी का ध्यान रखेंगे, भाग दौड़ भी कर लेंगे। तुम यहाँ रुक के ठीक है। पुत्र, हम दोनों सवेरे इकट्ठे आ जाएंगे। परमीत पुत्र, स्वीटी का ध्यान रखना, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें फोन कर देना, ठीक है? चल बिम्मी। भाई साहब आइए। गोल्डी, समझ में नहीं आ रहा घर पे कैसे पता। ये बात तो आप ही को बतानी पड़ेगी, घर पर बताइए, मैं कॉफी लेकर आता हूं। बहुत ही बुरा हुआ स्वीटी के साथ। अरे बिचारी का पहला बच्चा था, टूट गई होगी। आज तो कितने सपने देखे होंगे बच्ची ने, सारे के सारे टूट गए। हमारी हेतली भी बहुत रो रही थी, कितनी दुखी है वो भी, डर गई थी बच्ची। अजी, उस बेटी को कुछ ना हो, नहीं तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। अम्मा जी, भारती, अरे वो कलावती की बातें सुनकर तो मैं घबराई गई थी। स्वीटी ने तो कुछ नहीं कहा ना? स्वीटी ने ये क्यों आई अभी? मेरा बच्चा तो छीन लिया ना? नहीं अम्मा जी, मैंने कुछ नहीं किया। तूने छीना मेरा बच्चा मुझसे। नहीं कुछ नहीं, और कहती तो भी क्या, बेचारी अपना बच्चा खो दिया उसने, वो पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर, वो ही जाने। दारजी को बताया इस बारे में? नहीं अभी तक नहीं, पता नहीं वो कैसे बर्दाश्त करेंगे ये बुरी खबर। श्रीनाथ जी की कृपा सब पर बनी रहे, बहुत भारी दिन था आज।
लोग जाओ बेटा, जाओ सो जाओ, जा, आराम कर लो। पप्पी, ये तो बा ने मना किया था इसलिए मैं मोना रानी के सामने कुछ बोली नहीं, पर कलावती की बातों से तो ऐसा ही लग रहा था जैसे पूरी घटना का इल्जाम ये लोग हेतली पर लगा रहे हैं। क्यों, किसी ने कुछ कहा? मतलब ये बात सच है ना? मतलब ए पप्पी, खबर न तो कह दू। अरे वो कलावती तो चलता फिरता अखबार है, कह रही थी हितल ने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा। स्वीटी और हितल दोनों ऊपर थे और दोनों में झगड़ा हो रहा था, फिर अचानक स्वीटी के गिरने की आवाज आई। वो ये भी कह रही थी भाई हितल ने तो गुस्से में उसे धक्का नहीं मारा। अगर उसने हितल के ससुराल वालों के कान भर दिए तो पूरा इल्जाम हितली पर डालेंगे, और नहीं तो क्या? बिल्कुल सही कह रही है बिजल, बहू पे इल्जाम लगाना सबसे आसान काम है। हमारे राजकोट में कहते हैं ना, हल्कू नाम हवलदार नु। जयेश कुमार एक मिनट, भारती तुझे क्या लग रहा है, हितल गुस्से में ऐसा गलत काम कर सकती है? क्या सही है क्या गलत है, सब इतने परेशान है, कोई कुछ भी बोल रहा है, सच क्या झूठ क्या कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन एक बात है, इतने समय में हितल ना अपने ससुराल वालों का प्यार जीत सकी और ना ही विश्वास। धारजी संभालिए अपने आप को, आप हम सबकी हिम्मत हो धारजी, आप इस तरह कमजोर पड़ जाएंगे तो फिर हम लोगों का क्या होगा, जरा सोचिए। पुत्र, अब नहीं होता बर्दाश्त, अपने बच्चों के दुख का ऐसा बोझ नहीं उठा सकती अभी बूढ़ी हड्डियां, पुत्र नहीं उठा सकती। कड़ा कर ले पुत्र, संभल जा। एक बेटी के बाप को कमजोर पड़ने की रियायत नहीं मिलती पुत्र, सारी उम्र चट्टान मन के बेटी के पीछे खड़ा रहना पड़ता है। से स्वीटी का दर्द देखा नहीं जाता, लेकिन पुत्र दर्द भी जिंदगी का एक हिस्सा है और सबको अपने अपने हिस्से का दर्द खुद बर्दाश्त करना पड़ता है। क्या करेगा, इतने बड़े हादसे से स्वीटी बच गई, बस यही वाहेगुरु की मेहर है। भाई साहब, दारजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब हम सब लोगों को मिलकर स्वीटी को संभालना है। हाँ, लेकिन मैं अमृत से क्या कहूंगा, अभी तक उसे पता नहीं है। उसे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जब वो आएगी तब देखा जाएगा उस वक्त। पर जाई जी का जब फोन आएगा तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? कुछ भी कह देना, लेकिन इस हादसे के बारे में कुछ मत बताना पुत्र, वो वैसे ही बहुत तकलीफ में है अपनी बीजी की वजह से,
ये दुख वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। हाँ शायद यही ठीक रहेगा। जैसा तुसी लोग ठीक समझो। मैं आज दारजी के कमरे में ही सोऊंगा। ठीक है जी, मैं आपका बिस्तर वही लगवा देती हूँ। कितनी कमजोर हो गई है मेरी सोनी, रोज खरौड़े का सूप पिलाऊंगी ना, देखना बिल्कुल चंगी हो जाएगी। ओए विम्मी, है मैं अभी तो दुकान जा रहा हूँ, मैं सोच रहा था आते वक्त नत्थू हलवाई से मिठाइयाँ ले आऊं क्या? स्वीटी पुत्र बता तेरी फरमाइश क्या है? ओहो, ओए विम्मी, मैं भी ना भुलक्कड़ होता जा रहा हूँ। स्वीटी की फरमाइश तो फिरनी है ना? हाँ, फिरनी तो स्वीटी की फेवरेट है। ले, मैं तेरे कपड़े निकाल देती हूँ। हाँ ऐसा क्या करूं मैं जिससे वो अपने सारे गम भुला दे, बाय गॉड, और वो एक बार मुस्कुरा दे। समझ नहीं आ रहा है उनके दुख कैसे भुलाऊं। तुम्हारे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुम उसके साथ रहना, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन अरे तुम हो ही इतनी प्यारी, तुम्हारे साथ कोई भी बेटर फील करेगा। चलता हूं। बाय। प्लीज मुझे माफ कर दो स्वीटी। मैं तो शायद आपको माफ कर भी दूंगी, लेकिन बाबा जी आपको कभी माफ नहीं करेंगे। मेरे हर दर्द का, हर तकलीफ का हिसाब चुकाना पड़ेगा आपको। मुझसे ज्यादा भुगतेंगे आप। ऐसा मत कहो प्लीज, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। उस वक्त समझ में नहीं आया, पता नहीं तुम्हारा हाथ कैसे छूट गया मुझसे। देखो बेटी, मैं हाथ जोड़ती तुम्हारे सामने, माफ कर दो प्लीज। हेतल भाभी चली जाइए यहाँ से, उपकार के।
कीजिए मुझ पर, आज के बाद कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चले जाइए, चले जाइए, जाइए। ये सब क्या है? स्वीटी को कहां लेकर जा रहे हो तुम लोग? चाचा जी, वो कल रात को मैंने और गोल्डी ने घर पे बात की थी, वो लोग बहुत परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि घर जाकर उनसे आमने सामने बात किया जाए तो अच्छा होगा, बस इसलिए घर चल रहे हैं। पुत्र, इतनी जल्दी भी क्या है? स्वीटी की तबीयत ठीक नहीं है, इसकी तबीयत ठीक हो जाने दो फिर ले जाना, हम रोकेंगे नहीं। मैं ठीक हूँ दारजी, ज्यादा देर करना ठीक बात नहीं है, अभी जाकर परमीत जी के मम्मी जी पापा जी को मना लेंगे तो मान भी जाएंगे, ज्यादा देर करती तो कहीं बात बिगड़ ही ना जाए। बात तो बिगड़ चुकी है, तो बिगड़ गई, अभी बचा ही क्या बिगड़ने के लिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सोढ़ी साहब, तो बहुत अच्छा हुआ कि आप लोग खुद आ गए, हम आपको ही फोन करने वाले थे। अच्छा हुआ फोन नहीं किया आपने, कम से कम आपके कुछ पैसे बच गए, और वैसे भी यहां जो कुछ हुआ ना, हमें परमीत ने सब बता दिया है। जी आप क्यों आए, हमारा थे घर पे। सशिकल पापा जी, सशिकल। बस बस, हमारे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, आशीर्वाद भी नहीं। मुगालते में मत रहना कि आज हम यहां पर तुम्हें लेने आए, हम यहां पर अपने पेटों को लेने आए, तुम्हें नहीं। सोढ़ी साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? स्वीटी आपकी बहू है। बस दारजी, रहने दीजिए, आपकी उम्र का लिहाज करके चुप हूं, बीच में मत बोलिए आप, वरना मेरे मुंह से कुछ उल्टा पुल्टा निकल जाएगा, खाम खाप की बेइज्जती हो जानी है। सोढ़ी साहब, बहन जी देखिए, ये गुस्सा होने का वक्त नहीं है, इस वक्त हमारा दुख एक है, फिर नाराजगी से क्या फायदा। ना हमारा दुख एक है ना सुख, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो बस फिक्र है तो सिर्फ अपने बच्चे की। मासी जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपकी बहू के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और आप। ओए तो चुपकार, हमने तो ये रिश्ता उसी दिन तोड़ देना था जिस दिन हम यहां पर पहली बार बारात लेके आए थे, तुमने जबरदस्ती इस लड़की को हमारे गले मर दिया। आज उसी गलती की सजा भुगत रहे हैं हम। आज इन सब लोगों की गलती की वजह से हमारे घर का चिराग चलने से पहले ही बुझ गया। अगर स्वीटी हमारे घर होती ना तो कभी नहीं होता यह हादसा। आप ठीक कह रही हैं बहन जी, गलती हमारी ही है,
ही ठीक से देखभाल नहीं कर पाए आपकी बहू की। माफ कर दीजिए हमें। अब आप माफी मांग रहे हैं? जो होना था वो तो हो गया ना। प्लीज पापा जी, इन सब से कुछ मत कहिए। सारी गलती मेरी, मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पापा जी, प्लीज मम्मी जी, प्लीज।